अब से थोड़ी ही देर बाद माननीय प्रधानमंत्री तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में पधारेंगे और भगवान बुद्ध का नमन करते हुए दीप प्रज्वलित करेंगे। फिर नेपाल और भारत में आए विध्वंसकारी भूकंप में शिकार हुए लोगों की याद में मौन रखा जाएगा। कार्यक्रम के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य से निवेदन है कि आप कृपया अपने बोधन के लिए पधारें। सबसे पहले मैं परम पावन पर्व बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर उपस्थित इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल परम पूज्य धम्म गुरु लामा लोबजंग पूज्य भिक्षु संघ एवं मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं उपस्थित सभी गणमान्य विद्वान स्वजन माताओं एवं बहनों, सबसे पहले मैं भारत की एकता अखंडता एवं धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज का नमन करते हुए भारत का राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान का नमन करता हूँ। तत्पश्चात आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर विश्व की असभ्य मानवता को सर्वप्रथम सभ्यता का पाठ पढ़ाने वाले एक महान दार्शनिक, एक महान वैज्ञानिक, एक महान चिकित्सक, एक महान समाजशास्त्री और दुनिया के 100 महापुरुषों में प्रथम स्थान रखने वाले एक महान अर्थशास्त्री, मानववादी प्रकृति धम्म के अन्वेषक शाक्य मुनि विश्वगुरु तथागत गौतम बुद्ध को शत शत बार नमन करता हूँ। तत्पश्चात धार्मिक सहिष्णुता के प्रवर्तक, सच्चे धम्म के उन्नायक, संसार में पहली बार सीमाओं की संकल्पना को तोड़कर भारत की सीमा के पार सुदूर देशों तक एक सार्वभौमिक लोक कल्याणकारी संस्कृति की बुनियाद रखने वाले वसुधैव कुटुंबकम के जनक विश्व विजेता सम्राट अशोक महान जी का नमन करता हूँ। साथ ही साथ उन सभी महापुरुषों का नमन करता हूँ जिनके कुर्बानियों और संघर्षों के बदौलत आप, हम और यह धम्म यहाँ तक पहुँचा है। शाक्य मुनि तथागत बुद्ध का वंशज होने के नाते आए हुए विश्व समुदाय के समस्त आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग इस भारत के पावन भूमि पर आकर बुद्ध पूर्णिमा को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, यह देखकर मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन, अशोका मिशन, सम्राट अशोक क्लब एवं अन्य सहयोगी संगठन के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, हमारे देश का नाम भारत है और यह भारत जो शब्द है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं बल्कि भाववाचक संज्ञा है जिसका अनुवाद नहीं व्याख्या हो सकती है। यह शब्द भारत के गुणों और विशेषताओं को प्रकट करता है जिसमें भा का अर्थ है प्रकाश और रत का अर्थ है लगातार जारी रहना, अर्थात भारत एक ऐसे भूखंड का नाम है जहाँ ज्ञान का प्रकाश लगातार निकलता है और दुनिया उससे प्रकाशित होती है और वह ज्ञान का प्रकाश तथागत गौतम बुद्ध का है जिससे पूरी दुनिया प्रकाशित हो रही है, इसलिए भारतवर्ष को विश्व गुरु कहा जाता है। तथागत बुद्ध के संदेशों पर आधारित सम्राट अशोक महान ने लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित कर भारत को विश्व विजेता और धम्म विजेता होने का गौरव दिलाया। आज भी बुद्ध के पंचशील सूत्रों में भारत ही नहीं बल्कि विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान है। अब तक शिक्षण संस्थाओं ने व्यक्ति को शिक्षित करने की प्रणाली विकसित की है, लेकिन तथागत बुद्ध ने किसी व्यक्ति को इंसान बनाने की प्रणाली विकसित की थी। तथागत ने देखा कि संसार के समस्त मानव जंतु पेड़ पौधे सभी एक दूसरे पर आधारित हैं, इसलिए तथागत बुद्ध ने परस्परावलंबन के सिद्धांत की इजाद की इसलिए इसी सिद्धांत से हो रही है। इसका न ही कोई निर्माण करता है न कोई संचाल करता, उत्पत्ति और विनाश के आधार पर क्रमिक प्रवाह लगातार अनवरत चलता है। आज लोग कहते हैं कि बुद्ध का धम्म दर्शन विज्ञान पर आधारित है, परंतु मैं कहता हूं कि विज्ञान ही बुद्ध धम्म पर आधारित है। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ सभी को बधाई देते हुए आइए हम सब मिलकर बुद्ध के कालजयी दर्शन को अपनाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें और लोक मंगल हो, ताकि हम भी खुशहाल रहें, हमारा पड़ोसी भी खुशहाल रहे। श्रेष्ठ भारत, नैतिक भारत, अतुल्य भारत, अखंड भारत, जय भारत। माननीय प्रधानमंत्री चल चुके हैं और कुछ ही क्षणों में यहाँ पधारने वाले हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि उनके आने पर यहाँ कार्यक्रम क्या होगा। आते ही वो भगवान बुद्ध का नमन करते हुए दीप प्रज्वलित करेंगे, फिर नेपाल और भारत में आए भूकंप में शिकार हुए लोगों की याद में मौन रखा जाएगा। तत्पश्चात मंच पर प्रधानमंत्री एवं विशिष्ट अतिथियों का स्वागत होगा। प्रधानमंत्री उन चार विभूतियों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने बौद्ध धर्म, कला, दर्शन एवं धरोहर के अध्ययन, संरक्षण एवं प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशिष्ट अतिथियों एवं प्रधानमंत्रियों के संबोधन के पश्चात धन्यवाद ज्ञापन होगा। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आप सबके लिए नाश्ते का इंतज़ाम किया है। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद बाहर जाते समय अपने फूड पैकेट ज़रूर ले लीजिएगा।
ये भी बताना चाहेंगे कि जब तक हमारे मुख्य एवं विशिष्ट अतिथि परिसर या मंच से प्रस्थान न कर लें, आप सब अपने स्थानों पर ही रहें. लेडीज एंड जेंटलमैन, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज ऑलरेडी लेफ्ट एंड विल बी अराइविंग हियर एनी मोमेंट. अपॉन हिज अराइवल ही विल लाइट द बटर लैम्प एंड पे ओबेसेंस टू लॉर्ड बुद्धा. We will then observe silence in the memory of the victims of earthquake in Nepal, India, and other regions. Our chief guest and guests of honor.